फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसुर। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंजाइम्स। ओके, एंड टुडे लेट्स डिस्कस द अनदर टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स और फॉर्मेशन ऑफ ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बिफोर दैट वी डिस्कस्ड दैट हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वर फॉर्मड। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टू थ्योरीज दैट हाउ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मड। सो इट वॉज एक्सप्लेन बाय द एमिल फिशर एंड डेनियल कोशलैंड। ओके, एमिल फिशर गिवन द थ्योरी विच इज नोन एज लोक एंड की थ्योरी, एंड ही एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरी इन 1894। सो वॉट ही स्टेट्स दैट इन द सेम मैनर ए स्पेसिफिक की कैन अनलॉक द स्पेसिफिक लॉक। ओके, जिस तरह से एक चाबी एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है, या किसी भी लॉक को एक स्पेसिफिक चाबी ही ओपन कर सकती है, उसी तरह से एमिल फिशर ने कहा था कि कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या कोई भी एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने एक्टिव साइट में फिट कर सकता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज गिवन बाय कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक की है, स्पेसिफिक एंजाइम है, एंड इट कैन कंबाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इज दैट क्लियर? सो वॉट हैपन, एन ECS इज फॉर्म्ड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड हेयर, एंड लेटर ऑन बिकॉज एज वी वर ऑलरेडी डिस्कस कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो इट कैन बी डिसोसिएट एंड इट रिलीज आउट द फ्री एंजाइम। ओके, विच इज रेडी टू गेट कम्बाइंड विद द अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ओके, बट ये थ्योरी क्या स्टेट करती है? एमिल फिशर ने कहा था कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन देयर शेप। ओके, यानी इनकी शेप फिक्स होती है, रिजिड होती है, और कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट किसी स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिव साइट में ही क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। यानी उन्होंने कहा था कि एक्टिव साइट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, वो रिजिड होती है और उनकी शेप सबस्ट्रेट की शेप से कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिस वजह से कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम में फिट हो सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी इसका क्या करती है, वो इसको रिजेक्ट करती है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी डेनियल कोशलैंड ने दी थी 1966 में, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, डेनियल कोशलैंड ने कहा था नो, दीज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट जैसी हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। जबकि जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, दे आर नॉट रिजिड। उन्होंने कहा था कि जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की वो कैसे होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इनिशियली उनकी जो साइट होती है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। ओके, बट जैसे ही सबस्ट्रेट आके उस पर बाइंड करता है तो वो फ्लेक्सिबल जो साइट्स होती हैं वो कॉन्फिगरेशन में चेंज होती हैं और वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करती हैं। इज दैट क्लियर? और लेटर ऑन होता क्या, द सेम थिंग शुड बी देयर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो डिसोसिएट होके एंजाइम फ्री एंजाइम को रिलीज करेगा, प्लस एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहां से देखिए दो चीजें हमें क्लियरली समझ में आ गई हैं कि एक तो लॉक एंड की थ्योरी इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, और दूसरी जो थ्योरी है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी है। लेकिन दोनों ही थ्योरी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है, क्योंकि लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि जो भी एक्टिव साइट्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसी भी सबस्ट्रेट के, और कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जिसकी शेप उस एक्टिव साइट से मिलती है वही सबस्ट्रेट उसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। बट इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है, नहीं, एक्टिव साइट्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। ओके, वो फ्लेक्सिबल है और इनिशियली उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट जैसे ही कोई सबस्ट्रेट उसके पास आता है और वो उससे बाइंड करना चाह रहा है तो वो अपनी साइट्स को क्या कर देती है, चेंज कर लेती है, अपनी शेप को मॉडिफाइड कर देती है, और इस तरीके से कोई भी सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड हो जाता है और वो अपनी जो प्रोसेसिंग है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसके आगे हमें पढ़ना है हाउ द एंजाइम्स लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हेलो, ओके स्टूडेंट, तो देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था ECS, इट मींस हाउ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, और उसके लिए हमने दो मैकेनिज्म देखी है, एक लॉक एंड की थ्योरी विच इज गिवन बाय द एमिल फिशर, एंड अनदर वन इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी विच इज गिवन बाय द डेनियल कोशलैंड।
अब देखिए इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो एंजाइम एक्शन है वो दो पॉइंट से होता है, एक तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और दूसरा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन होती है। तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पे लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे रिमाइंड कीजिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एंजाइम किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, लोअर डाउन करता है। तो उसमें हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल एक पिट है और कोई भी पर्सन उसको पार करना चाह रहा है, ठीक है, तो दैट इज वो एग्जाम्पल आपको याद होगा। देखिए तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सो द लोएस्ट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग और फॉर द इनिशिएशन ऑफ एन एंजाइम, ओके, द लोएस्ट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन और इनिशिएटिंग एंजाइम दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ मैंने बनाया, आप इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से एंजाइम की प्रेजेंस इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। तो देखिए यहाँ पे दो डायग्राम है, एक यहाँ पे आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए ये कोई भी वो रिएक्शन है जब एंजाइम आपके पास है नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितनी ज्यादा है, ओके, लेकिन इसी रिएक्शन में जब हम एंजाइम को यूटिलाइज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी एकदम से लोअर डाउन हो जाती है और यहाँ पे जितने भी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कुल मिला के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं और जब वो डिक्रीज करते हैं तो वो सब्सट्रेट इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था सेकंड वाला पॉइंट, दैट हाउ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम शुड बी लोअर डाउन, ओके। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम की ईसीएस की फॉर्मेशन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का लोअर डाउन होना, ओके। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके, गुड बाय।